दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर लव राशिफल मई 2022। मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लव राशि फल में जो लोग सिंगल हैं उनकी, उसके बाद में मैरिड लाइफ, लव लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनकी। इस महीने के जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, जो सिंगल हैं उनके लिए खास करके वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए कह रहे हैं। अगर आप वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपका सब अच्छा होगा, और वाणी पर नियंत्रण अगर नहीं रख पाए, स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रख पाए, तो आप बहुत अच्छे अच्छे लोग खो सकते हैं। खास करके इन दिनों आपको इस महीने में, खास करके 15 मई से लेकर के लास्ट तक मई के महीने में, आपको बार बार जो व्यक्ति पसंद होगा या जिस व्यक्ति पर आप बहुत आपका क्रश होगा उसके साथ फिजिकल रिलेशन का मन करेगा, और फिजिकल होना आपके लिए बहुत बड़ी एक आफत बन जाएगी। तो अगर आप फिजिकल रिलेशन की इंटेंशन से किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सख्त निर्देश हैं कि ऐसा मत कीजिए और ऐसी और मत बढ़िए, क्योंकि ये आपको बहुत बहुत पीछे ले जा सकता है आपके जो रिश्ते हैं उनसे, या रिश्ते बन रहे हैं या बन सकते हैं, ये सब चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी अगर आप ये सोच रखेंगे। लव लाइफ़ की अगर बात की जाए तो लव लाइफ में भी आप की नीड ये बढ़ जाएगी और पार्टनर इसके लिए तैयार नहीं होगा। अगर पहले भी हो रखा है वो आपके साथ फिजिकल, फिर भी नहीं हो पाएगा, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे अधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो लव लाइफ में झगड़े इस बात के होंगे कि कुछ भी क्लियर नहीं है और फिर भी फिजिकल रिलेशन चाहिए, मतलब किस अधिकार से आप ये कह रहे हो, तो ये चीज़ें आपकी लव लाइफ में झगड़े का कारण बन सकती हैं। खर्चे, पैसा इत्यादि भी झगड़े का कारण बन सकता है, और किसी दोस्त यानी कि अगर आप लड़की हैं तो अपने किसी लड़के दोस्त से बात करती हैं, कोई दोस्त आपका लड़का है, दोस्त ही है, तो वो आपको बॉयफ्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा आपसे परेशान हो जाएगा। अब अगर लड़के हैं और आपकी कोई लड़की दोस्त है तो वो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे परेशान हो जाएगी, तो परेशानी रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को बहुत ही समझ के संभल के चलें, क्योंकि आपकी एक गलती आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बात जरूर होने वाली है, पार्टनर फिर से बात करेगा, लेकिन आपकी हरकतें देख करके हो सकता है कि आपके साथ में ईगो के साथ में पेश आए। मैरिड लाइफ की अगर बात की जाए तो मैरिड लाइफ में आपको पार्टनर से जो उम्मीदें हैं वो आपके पार्टनर आपकी पूरी करेंगे, खुशियाँ आपको देंगे, और जो कन्फ्यूजन है, जो गलतफहमी है, वो दूर होगी। इस महीने बहुत ज़्यादा यात्रा कर सकते हैं एक साथ में, और कहीं दूर यात्रा पर जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा समय बिता सकते हैं, जिससे आप दोनों एक दूसरे के अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में कोई बड़ी खुशखबरी भी घर पर आ सकती है, कोई धार्मिक आयोजन भी आपके द्वारा किया जा सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज ये पूरा महीना, खास करके 8 मई से लेकर के 18 मई के बीच में बहुत ज़्यादा असमंजस और भ्रम और झगड़े की स्थिति दिखाएगा, जिसमें प्रेम नाम की चीज़ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति स्वार्थ से हर बात स्वार्थ का करेगा, तो ये स्थिति है। दोस्तों यह था आपका लव राशि फल। अगर आपको यह लव राशि फल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। हाँ, तीन राशियों के नाम बता देता हूँ, अगर आपके मेष राशि, कन्या राशि और धनु राशि का पार्टनर है तो आपके लिए महीना फिर भी ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।